इसके आप बता दीजिए। नहीं, कोई क्लियर नहीं है, गलती आपकी है। आप जो है गलत काम करें, आप गलत काम करें। आप एक, मैं आपको बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट मानता था, मगर आप गलत काम करें, आप जवाब दो उसका, मैं को जवाब दूंगा। सर मैं अलायंस नहीं, आप गलत काम करें, एज अ जर्नलिस्ट काम नहीं करें आप, हिटमैन का काम करें आप। कोई दूसरा सवाल बोलिए, पूछना है कुछ? अच्छा जी, हाँ, अभी इस तरीके से अब कल चुनाव भी है, तो उसमें इसके मद्देनजर आप लोगों से क्या अपील करेंगे, खासकर उन शहरों में जहाँ पर कम से कम वोटिंग होती है, और उन जगहों पर जहाँ पर आप या तो अलायंस में हैं, हाँ, जहाँ पर आप अलायंस में हैं जहाँ पर वोटिंग हो रही है, पहले तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे अपील करेंगे? हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हैदराबाद के अमन के लिए बीजेपी आरएसएस से खतरा है, और बीजेपी आरएसएस वाले एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह से वल्गर एग्रेसिव एक्शन करते जो आप लोग आने चला रहे। अगर वो काम अगर मैं करता तो तुम लोग यहां ठहरते भी नहीं थे, मेरे गले में सांप डालते थे। एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह का प्रोएक्टिव और क्या मैसेज दिया जा रहा है हैदराबाद के लिए, कि बीजेपी आरएसएस हैदराबाद के अमन को खराब करेगी, पीस को खराब करेगी। मैं हैदराबाद तेलंगाना की आवाम से और खास तौर से यूथ से अपील कर रहा हूं, हैदराबाद में पिछले 15 साल से पीस रहा है, ये बीजेपी आरएसएस तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं, ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस जरूरी है, और ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद हैं, ये आप लोगों का बायसनेस है, ये कि एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद को अमन को खराब करना चाहते हैं, और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग, इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद के अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं, और अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट में तो तेलंगाना में है, क्यों है? अमन है यहां पर। और बीजेपी आरएसएस इस तरह के वल्गर एग्रेसिव प्रोवोकेटिव वीडियोस के जरिए अपने एक छोटे सियासी फायदे के लिए, नहोंगा फायदा उनको, तेलंगाना हैदराबाद की आवाम इसको कबूल नहीं करने वाली है, ये वल्गर और प्रोवोकेटिव एग्रेसिव एक्शन को। कल तक आप मेरे को गाली देते थे, अब तो गाली के साथ साथ अब तो ये भी कर रहे हैं आप, तो क्या है आपका, क्या मैसेज है, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है, कि यही विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है जो आज हम देख रहे हैं तेलंगाना हैदराबाद में। अफसोस होता है मुझे, चुनाव अपनी जगह पर है, मगर चुनाव से बड़ी चीज हैदराबाद और तेलंगाना का अमन है, पीस है, यहां की ब्रदरहुड है, यहां की फ्रेटर्निटी है, जो आप लोग खराब करना चाहते हैं उसको। मुझे यकीन है कि 13 मई के दिन तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम तेलंगाना के पीस के दुश्मन के खिलाफ वोट देंगे, जो बीजेपी आरएसएस है। सर कल तमिलनाडु में इलेक्शन है, तो आप क्या करना चाहेंगे? आप बोल दिया, मैं यही बोल दी, मेरा तमिलनाडु में हम AIADMK की तायीद कर रहे हैं, और वहां के एक्स चीफ मिनिस्टर जनरल सेक्रेटरी AIADMK से मेरी बात हुई, वो कह चुके हैं कि वो बीजेपी से अलायंस में नहीं है, ना फ्यूचर में बीजेपी से अलायंस होगा, और वो CAA और NRC NPR के खिलाफ है, ये हमारा स्टैंड है। मगर मैं वोट डालो बोल के नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि कैनवेसिंग का टाइम खत्म हो चुका है। अच्छा जी, जिस तरीके से माधवी लता कह रही है कि वो बहुत सेक्युलर है, और कौन, माधवी लता जी कह रही है कि वो बहुत सेक्युलर है और सेक्युलर तरीके से वो वोट मांग रही है, आपको नहीं दिख रहा वीडियो वो? कभी तो देख लो ना, कभी तो देख के पूछो, कहीं कुत्ता डर रहे? अरे क्या चलाया आपने, सवाल तक पूछने, आप डर रहे सवाल पूछने को? एडिटर है, उनके बोल रहे हैं। हाँ, एडिटर सब सब एडिटर है। हाँ, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं ना? हाँ, चलो आप चलाओ। दुनिया देख चुकी है कि हैदराबाद और तेलंगाना के अमन के दुश्मन कौन है,
वो एक उर्दू का शेर है, क्या शेर है वो, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। सर कल जो बीजेपी के विधायक है राजा सिंह जी, वो आपको भी टारगेट किए हैं और कुछ? हाँ नहीं 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 टारगेट नहीं किए हैं, गाली दिए हैं। आप क्या कहना? नहीं गाली क्या कहना चाहेंगे आप लोग, पूछो उनसे, गाली दे रहे हैं। ये विकसित भारत है, ये थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, गाली दे रहे हैं और गाली क्या क्या नहीं दे रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अच्छा है कि तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम देख रही है, इनका असली चेहरा देख रही है, इनकी जबान क्या है, किस तरह वो हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। आप इलेक्शन कमीशन को शिकायत करेंगे? इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा क्या? इलेक्शन कमीशन को हर चीज बोलना है क्या? इलेक्शन कमीशन सामने नहीं हो रहा क्या? मैं अगर वो बात बोलता या मैं अगर ऐसी हरकत करता तो सुमोटो सब होता था। टेररिस्ट कहा जा रहा है, गाली दी जा रही है, मुस्लिम बहनों से कहा जा रहा हिजाब निकालकर फेंको, मुसलमानों से बोला जा रहा सऊदी अरब में ऐसा हो रहा आप क्यों नहीं कर रहे हा? क्या हो रहा है ये? सर जो ये वायलेंस हुआ है वेस्ट बंगाल और बैंगलोर में, इस पे आपका क्या कहना है सर? वायलेंस हुआ है तो वायलेंस का जवाब ये है कि पुलिस एक्शन ले, रूल ऑफ लॉ हो, और वायलेंस को हम कंडेम करते, मगर जो वायलेंस को प्रोवोक कर रहे, जो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे, जो हैदराबाद के अमन को बर्बाद कर रहे, उनको क्या बोलेंगे आप? आप डिमांड करेंगे सर एक्शन? नहीं, उनको उनके बारे में क्या बोलेंगे आप लोग? चलाएंगे आप लोग, आपके जो 6 PM 9 PM नेशनलिस्ट है चलाएंगे उसको आप लोग? नहीं चलाएंगे आप लोग। आप लोगों को खाली एक ही समुदाय दिखता गड़बड़, दूसरे जो लोग करते आपको नहीं दिखता? और आप लोग जो 6 PM 9 PM के नेशनलिस्ट है उनको तो खाली आंख में एक आंख बंद है उन लोगों की। सर एक्शन डिमांड कर रहे हैं सर, केस बुक होना चाहिए बोल रहे हैं जब से, क्या बोल रहा हूँ मैं? कल परमिशन नहीं था राजा सिंह को, तो आप जाकर इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया से पूछिए ना, यहाँ पे CO साहब बैठते, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बैठता, DCP से पूछिए, CP से पूछिए, हैदराबाद का कोतवाल मैं हूँ। नहीं नहीं, आप मेरे से क्यों पूछ रहे? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, आप तमाम से कि जाइए CP हैदराबाद से पूछिए, चीफ एग्जीक्यूटिव जो हमारे CO है ECI के उनसे पूछिए, कंसर्न DCP से पूछिए क्या कर रहे हैं। मैं हैदराबाद का कोतवाल हूँ। अरे आप ये काम तो आप उनसे, आपका काम उनसे पूछिए, आप वो लोग बताएंगे। बोल रहे थे केस बुक करेंगे सर। हाँ ठीक है, क्या बोल सकते हैं और?